तो ये रहा मंदिर का मेन प्रवेश द्वार, श्री महाकालेश्वर मंदिर का। यहाँ से हम गए थे इसलिए हमारा कैमरा जमा हो गया। जाने वाले राइड नहीं बोल सकते, आज हम जाने वाले हैं उज्जैन महाकाल दर्शन करने के लिए। हमारे पास है दीपक गुप्ता और रुपेश गोलमड़े और विकास यादव और हर्ष गए नींबू पानी पीने के लिए। प्यासा कुआ प्यासा है इसलिए। तो चलिए हम वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, हमारी बार ट्रेन आती है फिर ट्रेन पकड़ते हैं फिर आपसे करते आगे। भाई फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और इस कंडीशन में आप कभी मजा ना ये देख सकते हो भाई। एक एक बंदे का कभी लाइफ में मत सुनना और एक बंदे की लाइफ में कभी मत सुनना भाई। ये हम लोग एसी के साले की वजह से हम लोग टिकट भी नहीं निकाले और साले जैसे नौबत में आना पड़ रहा है। क्या चल बहुत मारने का मन कर रहा है, बहुत मारने का मन कर रहा है, हम लोग को मारने का। दोस्तों हर जगह हर ट्रेन में कोई ना कोई खास बंदा मिल जाता है जिसको मसीहा कहते हैं। ये भाई है जिसने हम लोग को जगह दिया बैग रखने के लिए। तो गैस कुछ अपने भाई लोग मिले ट्रेन में हमें, जो हर्ष और रुपेश को बैठने का मौका दिए यार, धन्यवाद भाई। ये होती है असली जिंदगी और असली जर्नी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। टाइम हो रहा अभी 12:40 और एक बार मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, सीन दिखाता हूँ ट्रेन की हालत क्या है। आप क्राउड देखिए बस। नेक्स्ट टाइम कभी भी याद रखिए लंबी टूर पे आप जा रहे हो तो टिकट बुकिंग करा के है, मैं यही हाल होने वाली है। गुड मॉर्निंग, अभी टाइम हो रहा है 7:01 और यहाँ से भी टाइमिंग दिखा रहा है 1/2 घंटा दिखा रहे हैं यहाँ से। नेक्स्ट स्टॉप अपना उज्जैन जंक्शन है तो फाइनली हम पहुँचने वाले हैं। तो चलिए फटाफट यहाँ से उठते हैं, रेडी शूज़ वगैरह डालते हैं, जैकेट वगैरह पहनते हैं क्योंकि ठंड वगैरह ज़्यादा है, फिर सीधा निकलते हैं आपको मिलते हैं उतरने के बाद। हम लोग पहुँच चुके हैं उज्जैन स्टेशन और आपका आराम से रुक जाना अब चलो गए। हम लोग पहुँच चुके हैं उज्जैन जंक्शन और आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लोग के बाकी चप्पल वगैरह घूम गई है, लोग चप्पल वगैरह लेके आ रहे हैं। लाइफ के फर्स्ट टाइम में हम लोग आ चुके हैं उज्जैन जंक्शन। तो अभी हमने यहाँ पे कर लिया है ऑटो, ये भैया जो हमें लेके जाने वाले हैं, यहाँ पे पर पर्सन 20 रुपये दे रहे हैं। चलो फिर चलते हैं यहाँ से सीधा होटल के पास, ये भैया हमें लेके जाएंगे होटल के पास। तो गाइस लाइफ के फर्स्ट टाइम पे हम घूम रहे हैं उज्जैन की गलियों में और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल में जा रहे हैं, वहाँ से चेंज वगैरह करेंगे फिर जाएंगे महाकाल के दर्शन करने के लिए। कुछ ऐसा मॉर्निंग का यहाँ पे नज़ारा है। जो गली में हम लोग अभी आए वहाँ पे आप देखोगे सब जगह होटल ही होटल आपको दिखेंगे। अभी हम आए हैं मानसरोवर गेस्ट हाउस के पास यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए, बाकी दूर तक जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है आपको यहाँ पे रूम्स वगैरह अवेलेबल मिल जाएंगे। सर थोड़ा सा आपको बार्गेनिंग करना आना चाहिए क्योंकि कैसा आपको नया देख के कुछ भी चार्ज लगा रहे हैं, बाकी अगर बार्गेनिंग करना आता है तो बेस्ट रेट में आपको मिल जाएगा। फिर हमारा एक चल रहा बात देखते हैं। हमने होटल लिया है तो नाम में ही द्वारका बीच। चलो एक बार मैं आपको वॉकिंग शुरू करवाता हूँ होटल में कि होटल कैसा है अपना जो हमने लिया है यहाँ पे। यहाँ से चलते हैं अंदर,
दोस्तों, हमने जो होटल लिया ना, अपने पर्सन है जो यहाँ पे देख रेख करते हैं, उनसे एक बार मिला देता हूँ, आपको भी एक बार बता देंगे होटल कहाँ पे है, आप भी आ सकते हो। क्योंकि जो हमने लिया है ना, काफ़ी अच्छा है और अच्छे रेट में मिल गया भाई की दया से। तो आप बता दीजिए, अगर मेरी फैमिली कोई आना चाहती है, मेरे दोस्त यार, बिल्कुल आप कभी भी आइए, उज्जैन आइए, माँ का भाव महाकालेश्वर के यहाँ आइए। हमारा होटल का नाम द्वारकाधीश पैलेस, गुदरी बाजार, सत्यु रेस्टोरेंट के सामने, महाकाल चौराहे के पास। तो चलिए, एड्रेस आई थिंक आपको मिल गया होगा, मैं आपको भैया का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी को उज्जैन दर्शन करना आना तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, आप ऑनलाइन भी यहाँ पे बुकिंग कर सकते हो। ये भैया का कार्ड है, एक बार आप पॉज करके एक बार आप देख लीजिएगा सर, ये फ्री फ्री। तब ये हमारा होटल, हमने लिया है सेकेंड फ्लोर पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि रूम कैसा है, रहने लायक है या नहीं, वो आप बताना। ये रहा हमारा होटल का कमरा, हमने लिया है 5 बेड। बड़ा-बड़ा ये कर लो, एक बेड यहाँ पे है, अरे बोला उसको, ये डुअल साइड बेड है, डुअल साइड मतलब आप देख सकते हो। 5 लोगों की अच्छी खासी जगह है और हमें मिला है ओनली 2000 रुपीज पे। थोड़ा सा बार्गेनिंग करना आपको आना चाहिए, अगर आपने बार्गेनिंग करना आता है तो अच्छे रेट में आपको मिल जाएगा। टाइम हो रहा है 11:20, अभी सब लोग भाई रेस्ट करके उठ चुके हैं, बाकी सब लोग रेडी हो गए हैं मंदिर जाने के लिए, बाकी आपका भाई भी कुछ रेडी हो चुका है कुछ इस तरह, बाकी रूम में सामान पूरे बिखरे हुए हैं। वो निकल चुके हैं दर्शन करने के लिए, बाकी इतने प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं काल भैरव महाकाल की नगरी उज्जैन में। ये होता है भोलेनाथ के प्रति सबका प्यार, उनके प्यार के लिए देखो। लाइन देख सकते हो, यहाँ से जाना है वहाँ से आना है, अंदर एक बार से भी लाइव दर्शन कर सकते हो। यहाँ से मंदिर का प्रवेश द्वार है, बाकी जगह आपने देखा होगा वहाँ पे बड़े बड़े स्क्रीन लगे थे, आप वहाँ से भी दर्शन कर सकते हो। हमारी प्रवेश एंट्री होने जा रही है, क्योंकि आपने बैक साइड में देखा होगा वहाँ पे 2 बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए थे, आप वहाँ से भी लाइव दर्शन देख सकते हो। बाकी अभी हम जा रहे हैं मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ, वहाँ से जो भी मैं आपको दिखाऊंगा डेफिनेटली दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने दर्शन कर लिया, बाकी परिसर में बहुत सारे और भी मंदिर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे संकट मोचन मतलब हनुमान जी का मंदिर दर्शन करेंगे। सिद्धि विनायक जी का भी मंदिर है, हमारे गणपति बप्पा का। गणेश मंदिर चिंतारण, एक बार यहाँ भी हम दर्शन करेंगे। यहाँ पे कैसा मोबाइल अलाउड है अंदर लेके जाना, बट कैसा कैमरा हो गया या फिर कोई भी एक्शन कैमरा होगा वो अलाउड नहीं है, तो यहाँ आपको जमा करना पड़ेगा, और लॉकर वगैरह भी मिलते हैं तो सेफ है, पर अगर आप आ रहे हो तो कैरी मत करो, वो बेटर रहेगा एक्चुअली। तो ये रहा मंदिर का मेन प्रवेश द्वार, श्री महाकालेश्वर मंदिर का, यहाँ से हम गए थे मेरा कैमरा गया। यहाँ पे है, आप बोल सकते हो महाकालेश्वर भक्त निवास है, मतलब आप पकड़ सो आश्रम जैसा, और यहाँ पे लोगों को बैठने के लिए अच्छा खासा बनाया हुआ, जहाँ तक नज़र जा रही है आपको सेम
और यहाँ पे भारत माता का मंदिर भी है बहुत बड़ा। दर्शन कर लिया महाकालेश्वर में, तो अभी शाम को आएंगे शिप्रा नदी की आरती देखेंगे जो लाइक बनारस घाट जैसे होती है, तो एक बार वो शाम को निकलेंगे क्योंकि 7 बजे आरती चालू होती है, एक बार वहाँ पे आपको दिखाएंगे ले जाके कि कैसा वहाँ का नज़ारा है। तो बाकी आज का दिन कुछ ऐसा रहने वाला है, बाकी आपको शाम को मिलते हैं, अभी जा रहे होटल में आराम करेंगे, बाकी कल का दिन जो होगा वो सिटी में जितने भी मंदिर है उसको हम लोग कवर करेंगे। ये आप देख रहे हैं ये सब मन्नत के धागे हैं जो यहाँ पर मेहनत खाते हैं, तो इस तरह के धागे यहाँ पर बांध दिया जाते हैं क्योंकि जो मंदिर है वो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक चालू रहते हैं, तो आप किसी भी टाइम आ सकते हो यहाँ पे दर्शन करने के लिए। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे लोग अभी भी आ रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके थे बट यहाँ पे हमें रास्ते में देखा इतनी बड़ा गणेश जी का मंदिर, तो यहाँ पे भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। अभी हम लोग को लगी है खाने के लिए, तो फटाफट ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर दे दिया है, एक बार ऑर्डर आ जाता है आ के आपसे मिलते हैं डायरेक्ट अपने होटल में। अगर टेस्ट अच्छा रहा तो मैं रिकमेंड जरूर करूँगा आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे अपना ऑर्डर शामिल है दे रहे हैं। अभी तो देखो हमको बाहर खाना है पर खाना है पाव भाजी, ये लड़के को देखो इसको जहाँ जा रहा है पाव भाजी। सोमवार था इतना भीड़ था इधर, बहुत भीड़ था। अभी पेट पूजा तो हो चुकी है, सब लोग के प्लेट खाली हो गए, बाकी दो लोग लगे हुए हैं ये और अभी खाने की दिक्कत है, कंपटीशन चल रही भाई लोग में। तो गाइस हम लोग यहाँ पे रुके थे मधु रेस्टोरेंट पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था टेस्ट काफ़ी अच्छा है, प्लस प्राइस आप सुनोगे यार आप बोलोगे यार क्या ही बोल रहे हो, 1275 रुपये में पेट भर खाना 5 जन में, वो भी ऐसे रेस्टोरेंट में। अब सोच रहे रात का भी खाना हम लोग यहीं पे करेंगे, टेस्ट भी अच्छा खासा था, मज़ा आ गया। गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं और टाइम देख सकते हो आप 6:30 क्योंकि अभी हम जा रहे हैं शिप्रा नदी आरती के लिए, क्योंकि 7 बजे वहाँ पर आरती चालू हो जाती है, तो निकलते हैं। भाई लोग भी कैसा रेडी हो चुके हैं, तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं फटाफट क्योंकि वहाँ पे पहुँचने में टाइम लगने वाला है 10 से 15 मिनट, तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, बाकी बात करते हैं आपको। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से रामगढ़ के लिए, शिप्रा नदी की जो आरती होती है वहाँ पर जाकर दर्शन करने वाले हैं और आरती देखने वाले और आपको भी दिखाने वाले हैं। हमारे होटल से 1.5 किलोमीटर है वहाँ पर, तो हम लोग कैसे यहाँ से आप बाय ऑटो भी जा सकते हैं पर हम लोग कैसा थोड़ा चल के जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है हमें उज्जैन की गलियों को। ये वही मंदिर है जो हमारे होटल के पास में थी रामलला की, तो मॉर्निंग में कैसा लाइट नहीं थी, अभी आपको लाइट यहाँ पर दिख रही है। और आप उज्जैन आए और चाय नहीं पिए अभी कुल्लड़ में, तो क्या फ़ायदा उज्जैन आकर, तो चलो आपको पी के मिलते हैं डायरेक्ट रामघाट के पास। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग हम लोग ने बोला यार उज्जैन बहुत ही ठंडी होगी, ये पहन लो वो पहन लो, यार कोई ठंडी नहीं है, ऐसा लग रहा है हम लोग दहीसर और मीरा रोड में घूम रहे हैं गली में, बाकी ठंडी वगैरह उतना तो नहीं है। हाँ मे भी हो सकता है मार्केट है थोड़ा सा क्राउड एरिया है इतनी ठंडी कम लग रही हो, बाहर में भी हो सकता है ज़्यादा ठंड लगे बट यहाँ पर तो नहीं है। हमने एक हमारा मित्र है विकास यादव, वो आपको एक बात बताना चाहता है। विकास क्या बताना चाहते हो आप? मैं यही बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ हर कोई टॉप फ्लोर पे खुद रह रहा है और नीचे गेस्ट हाउस होटल वगैरह बना के सबको रेंट वगैरह पे दे रहे हैं, पर डे के हिसाब से 1 आपको 2 बेड चाहिए 3 बेड चाहिए 4 बेड चाहिए, इजीली अवेलेबल है हर गली में। देखो ये तो गलत है, देखो हम लोग कैसे यहाँ पे बंगले हैं आ गया ना, ये एजेंट वाली काम करने लगा 1 BHK 2 BHK 3 BHK, चलो कोई नहीं यहाँ पे जगह साफ साफा वगैरह टी शर्ट वगैरह ले सकते हो। तो यहाँ पे भी पहुँच चुके हैं रामघाट पे, आप देख सकते हो
दोस्तों एक बैड न्यूज है, हम लोग को जो बताया गया था यहाँ पे 7 बजे आरती होती है जो रामघाट पे शिप्रा नदी की आरती होती है, बट यहाँ पे जो महाराज जी बैठे वो बोले कि नहीं 6 से 6:30 बजे होती है, तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। तो चलिए एक बार यहाँ से आपको एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ कि दिखता कैसा है जो अपना रामघाट है। और यहाँ आजू बाजू काफी सारे मंदिर हैं, सारे भगवान के हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी महाकालेश्वर मंदिर। मैं आपको शिप्रा नदी का जो आरती है नहीं दिखा पाया, बहुत सारे वीडियो हम लोगों ने सर्च किया था, वहाँ पे दिखाया गया था 7 बजे आरती चालू होती है, पर यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे 6 से 6:30 की आरती होती है, तो हम लेट पहुँचे थे। तो एक बार आप करेक्ट कर लेना, अगर इनकेस किसी को आना है तो आरती अटेंड करना है तो आपको 6 से 6:30 बजे के पहले आना पड़ेगा, क्योंकि 7 बजे ऐसा कुछ है नहीं, 7 बजे आरती समाप्त हो जाती है 6:30 तक। यहाँ से हमें जाना है महाकालेश्वर मंदिर के लिए, थोड़ी सी चढ़ाई है, पहुँच चुके हैं यहाँ पे जय हर सिद्धि नाथ के मंदिर में। आई थिंक आरती वगैरह हो रही है यहाँ पे, आरती स्टार्ट हो गई, इसलिए यहाँ पे आप क्राउड देख सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे क्राउड होने का रीजन एक ही है, क्योंकि जो एंट्री गेट है वही एग्जिट गेट है, तो लोग यहाँ से जा भी रहे और आ भी रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्राउड नहीं होता है। अभी कोई नहीं, हमको जाने हैं, हमें तो थोड़ा सा संभल के आखिरकार हमने एंट्री कर लिया है। यहाँ पे भी हमें दर्शन मिल चुका है, आरती खत्म खत्म होते होते हमें दर्शन मिल चुका, तो प्राउड मोमेंट था। तो मैम है जो हमसे मिलवाना चाहता हूँ, हम लोग आने का टाइम जो टिकट था कंफर्म नहीं था, तो ये मैम है एक्चुअली जो हम लोग को एक टिकट दी थी, हमने मैम का 2 टिकट था, तो एक टिकट सही था यार, एकदम बहुत क्राउडेड था, पर मैम ने एक्चुअली हम लोग को एक सीट दिया, ये कैसे ना इन लोग की वजह से हुआ था, अरे भाई तो इनकी वजह से हमें सीट मिली और अच्छा लगा, और अभी भी हमारे साथ में ही है, थैंक यू जाने वाले। चलते महाकालेश्वर मंदिर, वहाँ पे जैसा हम लोग को बताया गया था एक बार आप नाइट में आओ, क्योंकि नाइट में कैसा लाइट वगैरह वहाँ पे ज़्यादा लगी हुई है, तो देखने का जो बोलते ना व्यू है, नज़ारा है, वो कुछ अलग हो जाता है। तो चलते हैं आपको वहाँ पे भी एक बार नाइट का नज़ारा दिखाते हैं कि नाइट में कितना कैसा मंदिर है। बस हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे हम लोग मॉर्निंग में आए थे महाकालेश्वर मंदिर में, एक बार आपको नाइट का यहाँ पे नज़ारा दिखाता हूँ कि किस तरह यहाँ पे लाइट वगैरह हो रखी है और कितना प्यारा ही नज़ारा दिख रहा है यार, आप बोल नहीं सकते। चले इन्जॉय करिए आप वीडियो को। और
रास्ते भी आप देख सकते हो लाइट वगैरह लगा के रखा हुआ है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी महाराज मेन एंट्री था जहाँ पे हम मॉर्निंग में यहीं से गए थे एक्चुअली, यहाँ पे हमारा कैमरा जमा हो गया था। दोस्तों नाइट का नज़ारा कुछ ऐसा है, देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आई थिंक मैं इस साइड आपको देखूंगा, वहाँ से ब्लैक ब्लैक आ रहा हूँ। बाकी लोग यहाँ पे काफ़ी हैं, काफ़ी क्राउड है, महादेव के प्रति लोगों का प्यार खींचे चले जाता ना। देखो हम भी आ गए मुंबई से, बाकी सब लोग यहाँ पे हैं, क्राउड अच्छा खासा है। लाइटिंग की तो बात करें यार, यहाँ पे 12 बजे 1 बजे आओगे आप लोग आपको दिखेंगे। बाकी मेरे पीछे आप देख सकते हो क्राउड, यहाँ पे क्राउड जहाँ तक नज़र आपकी जाएगी वहाँ तक आपको लोग दिखेंगे। बाकी हम तो यहीं हैं। एक्चुअली मेरे फ्रेंड लोग थे जो मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे क्यों रेकमेंड किया था भाई, ज़बरदस्त है, बोल नहीं सकते यहाँ पे यार। जहाँ तक देखो वहाँ तक लाइटें, और ऐसी लाइटें गजब की यार, आपको देख के आनंद इतना आएगा ना। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि दिखता कैसा है। यहाँ तक आपने देखा ही था, बाकी यहाँ पे देखिए आप ओरी वाला व्यू देखिए, क्लास है क्लास। देख लो भाई, हाय गाइस, कैसे हाय गाइस। तो चलो एक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ छोटा सा, ये आप जो भी प्रतिमाएं देख रहे हैं भगवान के यहाँ, यहाँ पे कुछ ये तस्वीरें कुछ कहती है। जो हमारे गाइड हैं मिस्टर दीपक, आपको कुछ बताना चाहते हैं जो ये कैसा है। जब आपने भी सुना रहेगा, अभी सभी हिंदुओं को तो पता ही है कि जैसे कि अपना जो मंथन हुआ था, अपना समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से जो विष निकले थे, तो उस विष में से जो उस विष को ग्रहण करने के लिए सिर्फ एक ही, सभी देवताएं मतलब पूछ रहे थे कौन ग्रहण करेगा, अगर ये ग्रहण नहीं करेंगे तो दुनिया जो भी उस टाइम का जो युग था वो खराब हो जाएगा। तब वहाँ से शिव जी ने वो ग्रहण किया और उनकी जो कंठ है नीलकंठ, वो नीली हो गई, इसीलिए उनका एक नाम रखा गया नीलकंठ करके। तो आप गले के यहाँ पर देख सकते हो उनका ब्लू कलर वाला। तो आई होप इतनी नॉलेज आपके लिए काफ़ी होगी। तो आपको पता होगा कि इनका नाम नीलकंठ है। नीलकंठ क्यों पड़ा, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने विश किया था। आप देख सकते हो इनके कंठ के पास यहाँ पे ब्लू हुआ है, तो इसलिए इनका नाम नीलकंठ पड़ा हुआ है। तो दोस्तों एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि अगर आप यहाँ उज्जैन आने का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आप 1 से 2 दिन आप स्टे करो यार, इस जगह को एक्सप्लोर करो, बहुत अच्छी चीज़ है। लोग आते हैं, फ़ोटो निकालते हैं, वीडियो निकालते हैं और चले जाते हैं। उनको इनका एक्चुअली पता नहीं कि जो भी आप देख रहे हैं, जो भी मैंने आपको दिखाया होगा, वो उनका कुछ बोलते आप ऐसे नहीं बना हुआ है, उनके ऊपर कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है। तो जो प्रतिमाएं हैं कोई ना कोई कुछ दर्शाती हैं, बाकी आप देख सकते हो। और कभी भी आप आओ तो नाइट में यार, हम लोग डे में आए थे, डे में हम लोग को लगा नहीं था यार इतना प्यारा नज़ारा होगा, पर नाइट में आप देख सकते हो यार बहुत ही प्यारा नज़ारा। जहाँ तक देखो वहाँ तक लाइटें हैं और बाकी मैं बता नहीं सकता यार कितना प्यारा लग रहा है। और एक बार मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक कुछ ना कुछ तो है, और ऐसे ही नहीं बना के रखा, उसका कुछ मूल्यांकन है। अब बता लैंग्वेज ये देखिए, देखो जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है आपको, ये देखिए, ये आई थिंक बहुत लोग को पता होगा कि ये जो ना है, ये जब शंकर जी की शादी हुई थी आई थिंक, जब उनकी बारात लेके जा रहे थे पार्वती माता के यहाँ पे, तब का एक्चुअली पिक्चर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी एक जो प्रतिमा है शंकर जी की, आई थिंक तिलक जैसा हो गया था। यहाँ पे कुछ लिखा भी है, अगर आप वीडियो पोज करके आप रीड कर सकते हो। वैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, वीडियो को आप पोस्ट कर लेना, जो लिखा है अगर आप रीड कर सकते हो यहाँ पे। आई होप दोस्तों आपको काफ़ी मज़ा आया होगा जो मैंने दिखाया है और जो मैंने बताया है। एक्चुअली हमसे आरती मिस हो गई, तो एक बार अगर आप यहाँ पे आ रहे हो उज्जैन में और आपको आरती अटेंड करना है तो आपको आना पड़ेगा 6 बजे, क्योंकि 6 से 6:30 बजे आरती होती है। बाकी मेरे पीछे जो भी आपने देखा, मैंने जो भी आपको व्यू दिखाया यार, काफ़ी
प्यारा नज़ारा है एक बार आप बोल सकते हो। आप भी आइए यार, बहुत सुकून है, बहुत अच्छा लगता है यार। हिंदू हो तो डेफिनेटली आनी चाहिए यार, अपने देवता को अपने भगवान को मानना चाहिए, और मानना ज़रूरी भी है क्योंकि कैसा जो अदर रिलीजन्स होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो भी कैसा अपने गॉड को बहुत मानते हैं, वैसे हमें भी मानना चाहिए। बाकी इतनी प्यारी सी चीज़ है यार, मैं फर्स्ट टाइम आया, ऐसा लगा जाऊँ ही मैं, सब कुछ छोड़ दो, घर परिवार मोह माया सब, अगर यहाँ पे देखो और देख सकते हो कह रहा है मेरे चारों तरफ, आप देखो यार क्या लाइटें हैं, क्या बनाया है। और यहाँ जो भी मैंने आपको दिखाया, जो भी यहाँ पे भगवान जी की मूर्तियाँ हैं, उनके नीचे कुछ ना कुछ रिटर्न में लिखा हुआ है, और इसलिए लिखा है कि वो एवी नहीं बनी हुई है, मतलब उनका बनाने का कुछ मकसद है, वो क्यों बनी है, किस रीज़न से बनी है, क्या, तो सब कुछ वहाँ पे दर्शाया गया है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक ज़रूर करना। बाकी यहाँ से चलते हैं, अगर कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई मैं एक बार रास्ते में आपको दिखा दूँगा, नहीं तो सीधा डायरेक्ट मिलता आपको होटल में। और अगर मैं आपको टाइम की बताता हूँ, यहाँ पर टाइम हो रहा है 9:17 पर लोग आना जाना अभी भी लगा हुआ है, देखो क्राउड यहाँ पे भी है, मेरे बैक साइड पे भी है, लोग आपको आते जाते नज़र आएंगे, तो आप समझ सकते हो यार कितना प्यार है सबको महादेव के प्रति। हम लोग आ चुके हैं अपने होटल में, अभी थोड़ा सा फ्रेश होते हैं तो खाना वाना खाते हैं, फिर यहाँ से आराम करेंगे। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, बाकी मिलते हैं कल सुबह एक और ताजगी, एक और नए वीडियो में, भगवान के दर्शन करते हुए, महाकाल के दर्शन करते हुए। उज्जैन नगरी में आए तो दर्शन तो बनता है, तो चलिए अभी तो बंदे सब थक गए हैं और थोड़ा सा खाए पियेंगे, बाकी फ्रेश होते हैं, तो मिलते हैं आपको कल।